दोस्तों कैसे हो आप सब, आई होप आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपने अपनी जिंदगी में व्यस्त होंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुशराम सैनी और आप देख रहे हैं आशीष एंड कुशराम यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आपके लिए नए नए एक्सपेरिमेंट लाते रहते हैं और आपको हंसाते रहते हैं और आपको एंटरटेनमेंट करते रहते हैं, साइंस की दुनिया में ले जाते रहते हैं। दोस्तों हमने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर एक अनार बम जो होता है, अनार के अंदर ऊपर एक बर्तन रख दिया तो उस अनार ने उस बर्तन के ही छेद कर दिया। और आज के इस वीडियो के अंदर हम एक यही एनालिसिस करेंगे कि वास्तव में ये चीज़ होती है। तो दोस्तों हमारे पास है ये दो चीजें, जिसमें है एक अनार जो हमने 10 रुपए के अंदर खरीदा है और एक है गिलास जो हमने मम्मी से बिना किए उठा के लेकर आए हैं। घर जाने के बाद हमारे लात भी पड़ सकती है। दोस्तों इसको बचा के लेके जाना है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम टेस्ट करेंगे कि वाकई के अंदर अगर मान लीजिए इस गिलास के ऊपर अगर हम नीचे अगर हम अनार रख देते हैं तो इसके प्रेशर से क्या इसके अंदर छेद होता है। तो फटाफट से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। करते हैं इस वीडियो का एनालिसिस। दोस्तों हमारे सेटअप बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो हमने ये गिलास लिया है, गिलास के नीचे इस अनार को जलाकर आशीष भाई रख देंगे। अब हम क्या करेंगे सेफ्टी के लिए, क्योंकि दोस्तों हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं ये हमारे किसानों के जो किसान भाई है उनके खेतों के ऊपर कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी अगर आग यहाँ पर लग गई तो उनको बड़ा भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ चारों ओर चारा रखा हुआ है। अगर ये चारे के थोड़ी सी हिस्से में लग गई तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं सेफ्टी के लिए ये नारियल लिए हैं जो हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर बताया था। ये नारियल यहाँ ही पड़ा हुआ है, हमने इसको ले लिया है। लेने के बाद हम क्या करेंगे इस जो सेफ्टी टैंक है इसका, इस टैंक के यहाँ हमारा अनार रख देंगे। अनार रखने के बाद में इसको आशीष भाई इस तरह के से ऊपर रख देंगे, फिर देखते हैं इसके अंदर छेद होता है या नहीं होता है। तो चलो दोस्तों आशीष भाई को बुलाते हैं और इसके अंदर आग लगवाते हैं। फाइनली हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है और ये देखो दोस्तों जो हमने सुवारा लगाया था उस सुवारे ने इस गिलास का बहुत ही खतरनाक स्थिति बनाई है। दोस्तों ये देखो ये पूरा गर्म हो चुका है और मैंने नारियल के दो छोटे लेकर इसको उठाया। ये देखो दोस्तों इसके अंदर एक छेद बन गया है, दो छेद बनने के कारण इसके अंदर अब ये किसी भी काम का नहीं है। मैंने पहले बोला था दोस्तों कि इस अनार के अंदर इतनी ताकत होती है कि ये छेद कर देता है, मैंने भी एक वीडियो देखा था, फिर मैंने सोचा कि इसको एनालिसिस करके हमारे दर्शकों को और हमारे सब्सक्राइब को बताते हैं कि वास्तव में इसके अंदर छेद होता है या नहीं होता है। दोस्तों मैंने एक क्लिप में और पिछले जो क्लिप थी उसके अंदर बताया था कि ये गिलास अगर सही सुरक्षित घर पर नहीं गया तो मम्मी की डांट ज़रूर पड़ेगी और आज तो समझ लो बहुत ही ख़तरनाक डांट पड़ेगी। लेकिन हम क्या करेंगे इसको इस गिलास को घर पर नहीं लेके जाएंगे बल्कि इस गिलास को ही गायब कर देंगे, तो फिर कैसे पता चलेगा कि गिलास हमने लेकर गए हैं। तो दोस्तों फटाफट से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा प्यार भरा सा कमेंट करें, जिसको देख कर हमारे अंदर और हमारे सब्सक्राइब और हमारे दर्शक जो हमें देखते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगे। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। कल मिलेंगे एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ, लेकिन जाते जाते एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। दोस्तों आपके बच्चे जो हैं इनको अनार से दूर रखें, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक है, इसने एक गिलास के अंदर छेद कर दिया है तो आपके बच्चे क्या चीज़ है। दोस्तों छोटे मोटे पटाखे उनको चलाने दीजिए, बल्कि लंबा और मोटा
और जो ये अनार बम है इसको जलाने से आप उनको परहेज करिए और कहिए कि आप इनसे दूर रहिए। अगर वो दूर नहीं होते हैं तो हमारा वीडियो बता दीजिए जिससे वो सीख जाएंगे। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे नए एक्सपेरिमेंट के साथ।